किचन आज हम बनाएंगे कोल्हापुरी भड़ंग, जो लसन या मुरमुरा भी बोलते हैं उसको। और कोल्हापुर का बहुत ही फेमस भड़ंग है ये, तो जिसके लिए हम सामग्री देख लेंगे। ये है पीनट्स, जिसको मैंने फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई। ये मैंने 50 ग्राम्स तक लिया है। और पाउडर शुगर है जो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, बारीक बूरा जिसको बोलते हैं वो है। और लाल मिर्ची पाउडर है वो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, थोड़ा सा करी पत्ता। और 15 से 20 लहसुन का कली जो है उसको मैंने क्रश करके लिया है। यहाँ पे लहसुन ज़्यादा ही हमको यूज़ करना पड़ेगा। और नमक है टेस्ट के अनुसार। और मैंने ये भड़ंग लिया है, आप देख सकते हैं ये कोल्हापुरी भड़ंग के नाम से पहचाना जाता है। ये मुरमुरा है वो थोड़ा मोटा रहता है और जरा सा नमकीन रहता है, ये भरा हुआ रहता है। जो गुजरात में मिलता है वैसा वाला नहीं रहता, ये अलग से आता है, जिसको कोल्हापुरी मुरमुरा बोलते हैं या तो भड़ंग बोलते हैं। अभी हम ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट हो जाता है, तो आपको भी ये एक बार खाएंगे तो आपको बार बार खाने का मन होगा, तो एक बार जरूर ये ट्राई करना। अभी हम तड़का देंगे। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून ऑयल रखा है और मैंने मुरमुरा है वो 200 ग्राम लिया है। तो तेल हमारा गरम हो रहा है, उसमें हम करी पत्ता डाल देंगे और जो लहसुन है वो 1 टेबलस्पून जितना है, 15 से 20 कली 1 टेबलस्पून जितना, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर में रोस्ट करेंगे। पहले पीनट्स मैंने पहले ही डीप फ्राई कर लिया है ताकि हमारा टाइम है वो कम यूज हो। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये महाराष्ट्र की फेमस आइटम है। लहसुन है वो अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है। अभी हम उसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे और लाल मिर्ची पाउडर ऐड करने के बाद तुरंत मुरमुरा डाल देना है आपको। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अभी दिवाली भी आ रही है तो आप एक नाश्ते के तौर पे भी ये बहुत अच्छा आइटम ट्राई कर सकते हैं। इसको अच्छे से हिलाएंगे, उसमें हम टेस्ट के अनुसार नमक डाल देंगे। जितना आप स्पाइसी खाते हो वो हिसाब से बना सकते हैं, भड़ंग वैसे भी थोड़ा स्पाइसी रहता है। आप देख सकते हैं लहसुन या मुरमुरा है, उसमें मैंने नमक डाल के अच्छे से हिला लिया है, वो अभी क्रिस्पी हो गया है अच्छे से। तो अभी गैस को हम पहले बंद कर देंगे, उसमें जो फ्राई किया हुआ पीनट्स है वो डाल देंगे। और मैंने शुगर लिया था पाउडर शुगर, उसको भी हम साथ में ऐड कर देंगे। और अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और लहसुन का स्वाद घर का बनाया हुआ ज्यादा ही अच्छा रहता है, और लहसुन का इतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें। जो लहसुन या मुरमुरा है हमारा वो रेडी हो गया है। आप इसको कंटेनर में भर के 15-20 दिन तक अच्छे से रख सकते हैं और कोई भी गेस्ट आया तो उसको कभी भी दे सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी रेडी है हमारा कोल्हापुरी भड़ंग।